हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 कार्बन कंपाउंड्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि लेक्चर नंबर 4 जो था, जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर था, उसमें हमने आपको एक चीज पढ़ा था जिसका नाम है दोस्तों फंक्शनल ग्रुप्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर से इसके पहले का वीडियो देखा था, क्योंकि मेरा मानना यह है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन ऑल द साइंस। बिकॉज अगर आप कार्बन कंपाउंड ध्यान से पढ़ना चाहते हो फ्यूचर में, जब आप साइंस सब्जेक्ट चूज करोगे, केमिस्ट्री अगर आप समझना चाहते हो, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अभी से पढ़ लेना चाहते हो, तो वो जो वीडियो था इसके पहले वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसमें हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बेसिक तौर पे, जैसे कि अल्कोहल का ग्रुप्स हो गया, हैलोजन्स के ग्रुप हो गए, फिर उसमें अभी हमने एल्डिहाइड, कीटोन्स, अल्कोहल, फिर ईथर, ईस्टर क्या होता है, फिर उसमें हमने नाइट्रोजन का ग्रुप जो था अमाइंस वो क्या होता है, हर एक चीज एक्सप्लेन किया था। तो जरूर जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो, ठीक है। और अभी बात करें, लेक्चर नंबर 5 आज होने वाला है, और जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लेकर आने वाला हूं आपके लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसका नाम है, वो टॉपिक का जो नाम है आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है दोस्तों होमोलॉगस सीरीज। तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, आज के इस दिन हम लोग बात करने वाले हैं। छोटा सा लेक्चर लूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं लूंगा। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है एक्जैक्टली, उसका कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और उसके कुछ सीरीज के भी एग्जांपल आपको बताऊंगा, कि कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है होमोलॉगस सीरीज तो आप डेफिनेटली आंसर कर पाओगे। और मेरा जो सजेशन है और आप लोग को मेरा जो लाइक एक्सपीरियंस है, अगर मैं बोलूं आपको, तो ये जो होमोलॉगस सीरीज का जो क्वेश्चन है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता ही पूछता है। या तो आपको डिफाइन करने पूछेगा, या तो एग्जांपल्स पूछेगा, या तो सीधा सीधा एक्सप्लेन 2 या 3 मार्क्स के लिए करने पूछेगा, जो कि मुझे लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो होमोलॉगस सीरीज, सबसे पहले इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। होमोलॉगस सीरीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, नाम में क्या है, सीरीज। होमोलॉगस तो बाद में समझेंगे, लेकिन सीरीज नाम में सीरीज है। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं, सीरीज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज श्रृंखला में होना। श्रृंखला हिंदी वर्ड है, तो श्रृंखला मतलब क्या होता है, एक के बाद एक होना। जैसे हम लोग बोलते हैं ना सीरीज, इसके पहले आपने सीरीज ये वर्ड कहां सुना है, मैचों में। यानी कि जब भी क्रिकेट मैच होता है, हमारे इंडिया और इंग्लैंड का अभी चल रहा है, तो इंडिया और इंग्लैंड का अभी T20 सीरीज चल रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, T20 सीरीज चल रहा है। यानी कि T20 मैचेस चल रहे हैं, और कितने मैच का सीरीज है, 5 मैच का सीरीज है। यानी एक के बाद एक मैच होगा, कितने बार होगा, 5 बार होगा, यानी कि ये 5 मैचों की सीरीज हो गई। वैसे ये सीरीज का मतलब यहां पे क्या हो गया कि होमोलॉगस का मतलब ये होता है, होमो का तो मतलब आपको समझ में आता होगा, होमो का मतलब होता है सेम, सेम होना। लॉगस, होमोलॉगस का मीनिंग ये हो जाएगा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, किसके ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि इसके पहले जस्ट हमने कंप्लीट किया था लेक्चर नंबर 4 में। तो कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं, अपग्रेड होते रहते हैं। यानी कि अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप अटैच हो रहा है बार बार अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर या फिर अलग अलग ग्रुप्स के ऊपर, तो उस चीज का जो सीरीज बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलॉगस सीरीज। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, द सीरीज ऑफ द कंपाउंड, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, द सीरीज ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय जॉइनिंग, किसका जॉइनिंग हो रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप, ये वर्ड ध्यान में रखना, formed by, क्या मैंने बोला कि the series are forming, जो series form हो रहा है किसके द्वारा, form by joining, ठीक है, किसके वजह से joining हो रहा है, same homologous group of series, same homologous groups, या फिर homologous नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा same functional group में बोलूंगा, ठीक है ना, इसको मैं क्या बोलता हूं, same functional group। देखो ध्यान से, बहुत मजेदार चीज है, यह चीज आपको समझ में आएगा, same फंक्शनल ग्रुप। अभी तो आपको मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ, लेकिन अब एक्जैक्टली जब मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो आप बोलोगे यार मजा आ गया पढ़ के, तो क्योंकि ऐसे टॉपिक खासकर मुझे भी काफी मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने दोनों में, ठीक है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है, कोई भी अगर कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कोई भी चीज फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, सीरीज ऑफ कंपाउंड जब फॉर्म हो रहा है, तो उसमें अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है, किसके जगह पे, हाइड्रोजन के जगह पे रिप्लेसमेंट में, जैसे आपने फंक्शनल ग्रुप भी देखा था, तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता था तभी तो एक फंक्शनल ग्रुप लगता था, तो सेम यहां पे भी हाइड्रोजन एक एक रिप्लेस होता जाएगा और उसके जगह पे फंक्शनल ग्रुप ऐड होते जाएगा, और ये सेम सीरीज में जब ऐड होते रहता है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं। तो अब ये कैजुअल एग्जांपल आपको मैं समझाता हूं, कैजुअल एग्जांपल अगर मैं बताऊं, ठीक है, एक बार और डेफिनेशन प्रॉपरली अगर मैं बोल दूं, ध्यान से सुनना, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय जॉइनिंग द सेम फंक्शनल ग्रुप इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड द होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। अब ये जो होमोलॉगस सीरीज होते हैं, इसके एग्जांपल की बात करूं तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज हो सकता है, ठीक है ना, अल्कोहल, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गया, अल्कोहल, अल्कोहल का क्या हो सकता है, होमोलॉगस सीरीज हो सकता है। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे अल्केन्स का हो सकता है, अल्केन्स हो सकता है, अल्कीन्स हो सकता है, अल्काइन्स हो सकता है, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, उसके अलावा अल्डिहाइड्स हो सकता है, जो भी चीज़ हमने पढ़ा है अल्डिहाइड्स हो सकता है, ठीक है ना,
कीटोन्स का फंक्शनल ग्रुप हो सकता है होमोलॉगस सीरीज का, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का हो सकता है। तो ऐसे ही मैं कुछ आपके सामने जो है एग्जांपल लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग, बाकी तो आप चीजें पता ही है, तो अल्कोहल का कुछ एग्जांपल्स दूंगा, अल्केन्स का दूंगा, और साथ ही मैं आपको मैं देने वाला हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप्स का कुछ होमोलॉगस सीरीज बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप पढ़ते भी रहते हो, ठीक है, और सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू भी बता रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि होमोलॉगस सीरीज एक्जैक्टली क्या होता है ये तो आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा, लेकिन अब एक्जैक्टली अगर मैं बात करूं कि हम कैसे एग्जाम्पल वाइज पढ़ेंगे, एक्जैक्टली आपको मैं कैसे समझाऊं, तो अभी मैं जो एग्जाम्पल्स लिखाने जा रहा हूं हर एक का ग्रुप वाइज बताऊंगा, पहले अल्कोहल के बारे में बताऊंगा, फिर हम बात करेंगे अल्केन्स के बारे में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में भी बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं, इसको मैं रफ करता हूं, उम्मीद करता हूं डेफिनेशन आपने नोट डाउन कर लिया होगा या फिर आप चीज उसको समझ के ले लोगे, ठीक है। तो चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं इतना फिलहाल में, एंड क्योंकि मैं अभी क्या करने वाला हूं, एग्जांपल्स आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना, ठीक है, छोटा सा ही लेक्चर है, ज्यादा बड़ा मैं लेता नहीं हूं, आपको पता है कि आपका टाइम मेरे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रुप पहले स्टडी करते हैं, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज ऑफ किसका बताऊं, सबसे पहले मैं बताता हूं अल्कोहल का, ठीक है। तो अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज कैसे आएगा, ठीक है, बार बार देखो अल्कोहल की स्पेलिंग में गलत लिख देता हूं, ठीक है, अल्कोहल बराबर लिखा है क्या, अल्कोहल बराबर लिखा है, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो सबसे पहली बात मुझे बताओ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, कल ही हमने डिस्कस किया था, जब OH किसी भी हाइड्रोकार्बन के आगे लगेगा तो वो क्या बन जाता है, अल्कोहल बन जाता है। तो सबसे पहला जो अल्कोहल होता है वो होता है मिथाइल के आगे, CH3 लगा दो, OH लगा दो, ये बन गया, क्या बन गया दोस्तों, इसका नाम मैं क्या बोलूंगा, मिथाइल अल्कोहल, क्या बन गया ये, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। दूसरा नंबर, ठीक है, अब एक बढ़ा दो, CH3 एक और कार्बन बढ़ा दिया, CH2 डाल दिया और OH डाल दिया, तो ये क्या बन गया दोस्तों, ये बन गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी दो तीन एग्जांपल और बता देता हूँ, फिर तो आपको समझेगा। थर्ड वन देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये पूरा सीरीज लिखा रहा हूँ, वैसे सीरीज बहुत सारे होते हैं, 10 तक होते हैं, 15 तक भी होते हैं, लेकिन 3-4 ही लिखाऊंगा, ठीक है ना, मैं भी इंसान हूँ, थक जाऊंगा, तो ऑब्वियसली सब लिखा के मतलब भी नहीं और आप सब पढ़ के मतलब भी नहीं है, ठीक है, तो 3-4 समझ लो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो CH3OH, CH3 CH2OH, उसके बाद एक और कार्बन बढ़ा दो, CH3 CH2 CH2OH, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोपाइल अल्कोहल। उसके बाद तीन कार्बन हो गए ना, देखो 1, 2, 3 कार्बन है, उसके बाद मैंने डाल दिया अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, उसके बाद एक और डालता हूँ CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेता हूँ, पांचवा CH3 CH2 CH2 CH2, फिर एक और CH2, इसमें कितने कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन हो गए OH, तो ये हो जाएगा पेंटाइल अल्कोहल, समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्कोहल। अब देखो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि इसके बाद ना बहुत सारे हैं, फिर 6 भी है, 7 भी है, ऐसे करते करते पेंटाइल के बाद आ जाएगा। तो जैसे कि आपने एक चीज़ पढ़ा था, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, 10 तक पढ़ाया था मैंने, याद होगा आपको लेक्चर नंबर 4 में। तो उसी को हम लोग जब फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच करेंगे तो उसका क्या बनता है, एक सीरीज बनता है, और वो सीरीज सेम फंक्शनल ग्रुप के साथ बन रहा है। इसमें भी OH है, OH है, OH है, OH है, OH है, मतलब हर जगह मैं OH ही लगा रहा हूँ, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप बना रहा हूँ, सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहा हूँ, और उसका क्या बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है, 1 by 1 सीरीज बन रहा है, करेक्ट है। क्या बना, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, उसके बाद अगर मैं लिखूं और नीचे तो हेक्साइल आएगा, हेप्टाइल आएगा, उसके बाद क्या होता है, 7वां 8वां ऑक्टाइल होता है, नोनाइल होता है, फिर डेकाइल होता है। तो ऐसे बहुत सारे मैं बना सकता हूं, लेकिन अभी स्पेस भी खत्म हो गया और सब लिखा के मतलब नहीं है, क्योंकि आपको बस समझाना है दोस्तों, ठीक है, समझ में आ जाएगा आप लोग को। तो ये चीज क्या है, एक सीरीज बना रहा है और साथ ही में सेम फंक्शनल ग्रुप का बना रहा है, यानी कि ये जो सीरीज बना होगा वो किसका बना, क्या बना, ये एक बन गया होमोलॉगस सीरीज। लेकिन होमोलॉगस सीरीज किसका बन रहा है दोस्तों, कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, ये है OH वाला फंक्शनल ग्रुप। OH वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल। तो इन शॉर्ट में क्या बोलूंगा कि ये जो आपने लिखा है लगातार 5 जो सीरीज लिखा है, ये एक होमोलॉगस सीरीज है, वो भी किसका, अल्कोहल का। तो इस तरह से एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं होमोलॉगस सीरीज क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, एग्जांपल अल्कोहल का लेके मैंने आपको समझा दिया, और भी एग्जांपल्स कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। ये तो अल्कोहल का होमोलॉगस सीरीज आपने समझ लिया, वैसे ही और 2 कराने वाला हूं, अल्केन्स का कराऊंगा और लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का कराऊंगा। इसको रफ कर देता हूं फिलहाल में, ये अल्कोहल का पार्ट इतना रफ कर लेता हूं, क्योंकि अभी मैं कराने वाला हूं होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना दोस्तों, जब भी आप ये मेरा करा के होता है वीडियो को पॉज करना, और जब भी आपको कुछ चीज ऐसा लगे कि आप नोट डाउन कर सकते हो तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना, नोटबुक में बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम आ जाएगा। तो अभी मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूं आपको होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स, ठीक है। अल्केन्स क्या होता है, जो आपने पढ़ा था इसके पहले, क्या पढ़ा था इसके पहले, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में क्या पढ़ा था,
एल्केन क्या होता है? स्टार्टिंग में सबसे पहला मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, तो यही तो होता है एल्केन्स। तो लिख दो इसको, अगर मैं बात करूं सबसे पहले एग्जांपल्स के तौर पे CH4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मीथेन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? CH3CH3, दो कार्बन, ठीक है, दो कार्बन, छह हाइड्रोजन, यानी कि ये हो गया इथेन। समझ में आ रहा है? मीथेन, इथेन। उसके बाद एक और कार्बन बढ़ा दूंगा तो क्या बन जाएगा? CH3CH2CH3, क्या बन गया ये? प्रोपेन, ठीक है। फिर एक और कार्बन बढ़ा दूं, CH3CH2CH2CH3, क्या बन गया ये? ब्यूटेन। देखो समझ में आ रहा है दोस्तों? उसके बाद एक और कार्बन बढ़ा दूं, CH3CH2CH2CH2, एंड लास्ट में CH3, क्या कितना बन गया? 1 2 3 4 5 बन गया। तो ये क्या बन गया? पेंटेन। तो उसी प्रकार आप आगे बढ़ाते जाओ कार्बन, पेंटेन के बाद हेक्सेन बनेगा, हेप्टेन बनेगा, ऑक्टेन बनेगा, नोनेन बनेगा, डेकेन बनेगा, उसके बाद भी होते कंपैरेटिवली, लेकिन आप थोड़ा और हायर स्टैंडर्ड में जाओगे, 11वीं 12वीं में जाओगे तो वो सब चीज़ पढ़ना, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो। तो ये क्या बन गया? अगेन एक सीरीज बन गया जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? अगेन अल्केन्स का है ना, एनी, अल्केन्स का फंक्शनल ग्रुप है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबके लास्ट में एन ही आ रहा है, यानी कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक अल्केन का फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या बना रहा है? एक के बाद एक सीरीज बना रहा है, कार्बन बढ़ते जा रहा है, एक के बाद एक सीरीज बना रहा है, यानी कि क्या बन रहा है? होमोलॉगस सीरीज। किसका बन रहा है? क्या है ये? अल्केन्स। तो ये क्या हो गया? एग्जाम्पल्स, होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। समझ में आया दोस्तों? एक और एग्जाम्पल कराऊंगा साथ में आपको, होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा मजेदार लगेगा, ठीक है। लास्ट है, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख लो, फिर आपका ये पूरा लेक्चर को मैं समाप्त कर दूंगा यहाँ पे, और फिर हम लोग स्टॉप करेंगे, और जब भी हमारा अगला लेक्चर आएगा तो उसके बाद हम लोग एक वंडरफुल टॉपिक पढ़ने वाले। वंडरफुल इसलिए मैंने बोला कि ये ऐसा टॉपिक है जो आप पढ़ के ना मजा आ जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग नॉमनक्लेचर। नॉमनक्लेचर में IUPAC नेम वगैरह पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम कोई भी चीज़ का नाम रखते हैं ना, जैसे मैंने बोला कि इस चीज़ का हम लोग नाम रखते हैं अल्कोहल, तो कौन सा अल्कोहल है? प्रोपाइल अल्कोहल। तो क्यों रखा नाम? तो उसका एक रीज़न होता है, एक रूल होता है, तो वो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर का जरूर से इंतजार करना, अभी मैं करा रहा हूँ हमारा लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एग्जांपल्स अगर मैं कराऊं, सबसे पहले हमारा एक कार्बन वाला, ठीक है, CH3COOH, तो इस चीज़ का जो नाम होता है वो होता है एसेटिक एसिड, जो आपका विनेगर होता है ना, इन शॉर्ट बोलते हैं इसको विनेगर, कॉमन नेम है, जो आप खाते हो ना विनेगर, चाइनीज़ में डालते हो या फिर आपके घर में अचार वगैरह बनाने में लगता है, तो एसिडिक एसिड। उसके बाद एक और कार्बन बढ़ा दो, CH3CH2COOH, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। तीन कार्बन हो गया ना, 1 2 3 कार्बन, तो तीन कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, तो उसका एसिड क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड। आप देखो इसमें नाम जो आया ना, प्रोपेनोइक ही क्यों बोला गया, तो उसका भी रूल होता है, तो वही सब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बहुत मजेदार चीज़ है। फिर अगला बात करो, CH3CH2, फिर एक और कार्बन बढ़ा दिया, CH2 हो गया, और ये COOH बना दिया। COOH का मतलब ही होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? लास्ट लेक्चर सब पढ़ाया था, ध्यान से कंटिन्यू देखोगे हमारे लेक्चर्स तो ही आपको समझेंगे, अगर बीच का लेक्चर स्किप हो गया होगा तो थोड़ा शायद आपको नहीं समझेगा, तो जरूर से लाइन में देखा करो लेक्चर्स, आपको बहुत ही इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो CH3CH2CH2 ये हो गया तीन, और ये चौथा, यानी कि ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। फिर एक और करा देता हूं, चलो CH3CH2CH2CH2 एंड COOH, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, और ये पांचवा, यानी कि ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो इसी प्रकार आपको आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, बढ़ाते जाना है, तो आपका पेंटेनोइक के बाद हेक्सेनोइक हो जाएगा, हेप्टेनोइक हो जाएगा, इस प्रकार बनना है। तो यानी कि ये भी क्या बन रहा है? एक सीरीज बन रहा है। किसका बन रहा है? होमोलॉगस सीरीज का, वो भी किसका चीज़ का? एसिड का, ठीक है। लास्ट में COOH, 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 सेम फंक्शनल ग्रुप यानी एसिड का, तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ में दोस्तों आज का जो लेक्चर वीडियो है वो मैं करता हूँ समाप्त, क्योंकि बस आज के दिन इतना ही पढ़ाना, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था होमोलॉगस सीरीज जल्द लेकर आ जाऊंगा, तो लेकर आ गया, और उम्मीद करता हूँ हर एक डिटेल में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ऐसे दिए हैं जो आपको अभी के लिए भी काम आएंगे, 10th 11th 12th में भी जाओगे तो यही सब चीज़ आने वाला है दोस्तों डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ हर एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग कोई वीडियोज़ को अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।